जैसे आटा तैयार है, मेन स्विच बंद करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल वी टी एग्रो आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया प्रोडक्ट जो हर घर में यूज़ होने वाला है, और ये भी आज के समय में एक ज़रूरी एसेसरीज और होम अप्लायंसेस में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है घरेलू आटा चक्की, जो कि आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, जैसे एक छोटा फ्रिज टाइप में। आप देख सकते हैं इसे घर के किसी कोने में एक जगह रख सकते हैं और इधर उधर भी कर सकते हैं। और इसका सबसे ख़ास बेनिफिट हमको तब मिलता है जैसे कि घर पे कोई नहीं है और समस्या आती है कि आटा पिसवाना है और आटा पिसवाने के लिए कोई है नहीं, और हम लोगों को रोटी खाने में उसका टेस्ट नहीं मिलता है, और कभी महीन पिस गया, कभी मोटा पिस गया, कभी जला जला महसूस होता है आटा खाने में, तो वो सारी समस्याएं नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इन आटा चक्कियों में 8 तरह की जालियां आती हैं जिससे आप दलिया आटा, रवेदार आटा, बेसन और महीन से महीन आटा कुछ भी आप पीस सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 4 नंबर जाली है, ये आएगी 1.5 नंबर, टोटल 8 जालियाँ आती हैं हर साइज़ की। जिस साइज़ का आपको आटा खाना है उस साइज़ की आपको जाली मिलने वाली है। और इसे चलाना बिल्कुल आसान है, आप ये मान कर के चलिए चुटकियों का काम है, केवल गेहूं डाल देना है और नीचे से आटा निकाल लेना है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पे चलाने का प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है इसका ग्राइंडिंग चैम्बर, जहाँ पे ये ब्लेड वगैरह लगे रखे हैं। ये ब्लेड वगैरह हैं, यहाँ पे जो जिस साइज़ का भी आपको आटा खाना है उस साइज़ की ये जाली आपको लगा देनी है, और कुछ बिल्कुल आसान सा है, ये जाली है और बिल्कुल आसानी से इस केवल इसे इस तरीके से फिट कर देनी है और कैप को बंद करके ये नट टाइट कर देना है, और ये जो जाली वाला बॉक्स है इसे बस इस तरीके बैठा देना है, और पावर के लिए प्लग को सॉकेट पे लगा देंगे और ये चला देंगे। और ये मशीन बोलेगी हॉपर में अनाज डालिए, जैसे ये आपको इंस्ट्रक्शन देती रहेगी बराबर, जिस तरीके से भी जैसे ये देखिए इसने बोला भी हॉपर में अनाज डालिए। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये हमने थोड़ा सा गेहूं ले रखा है, केवल गेहूं को डाल देंगे और ये मशीन चालू हो जाएगी। और देखिए आप देख सकते हैं ये गेहूं धीरे धीरे जा रहा है, और ये डोर हम बंद कर देंगे। यदि घर में बच्चे हैं और इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं चोट वोट ना आ जाए बच्चों को, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है कि ये हमने डोर खोल दिया है और ये तुरंत मशीन रुक जाती है और बताएगी भी कि आपकी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे लाइट भी लगी हुई है और बहुत ही आसानी से चलती है ये मशीन, कोई दिक्कत नहीं। और हम अब मेन डोर बंद कर देंगे, तुरंत मशीन चालू हो जाएगी और ये मशीन चालू हो जाएगी तुरंत। ये देखिए ये चालू हो गई और इसी तरीके बोलेगी जिस समय गेहूँ चैम्बर से ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये बोलेगी कि आपका गेहूँ पिस करके तैयार है, आटा पिस करके तैयार है, कृपया मेन स्विच बंद करें। इंस्ट्रक्शन आपको देती रहेगी बराबर।
अब लगभग ये क्लीन हो आया है और ये इंस्ट्रक्शन देने वाली है मशीन कि आपका आटा पीस करके तैयार हो चुका है, कृपया मेन स्विच बंद करें। जैसे आटा तैयार है, मेन स्विच बंद करें। और अब हम मेन स्विच बंद कर देंगे और आप आपको दिखाते हैं आटा कैसे और कितना बढ़िया सा तैयार होकर के निकला है, ये आपको दिखाते हैं वीडियो में। देखिए, ये हमने डोर खोला और ये हमने पूरा ये निकाल लिया। अब इस पर हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इस पर हल्का सा धक्का दे देंगे, जो जाली पे आटा आया हुआ है वो सब नीचे गिर जाएगा और ये आसानी से ये ग्रैब हैंडल ये आसानी से ये जो पिंस हैं लॉक्स हैं उन्हें हटा करके ये आटा निकाल लेंगे। और हम देखते हैं कि ये हमारा आटा बिल्कुल महीन सा तैयार हो चुका है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये आटा निकला है और खाने के लिए तो इससे बेस्ट आटा आपको मिल ही नहीं सकता। मार्केट से ख़रीदने में गेहूँ या आटा आप कुछ भी ख़रीदेंगे और पिसवाते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर कंकड़ वगैरह भी पिस जाते हैं। और आपकी जानकारी में कैसा आटा आपको मिल रहा है ये कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। अब आपको देखते हैं कि दिखाते हैं कि ये चैम्बर में देखिए। और सबसे ख़ास बात ये है इस पे आपको जाली नहीं लगानी पड़ती, इसके आटे में आपको जाली नहीं लगानी पड़ती है और इसका आटा आपको बस मशीन से निकाल करके सीधे रोटी बनानी है और आपका गेहूं वेस्ट भी नहीं होता जो चोकर के नाम पे कुछ ना कुछ वेस्ट निकल जाता है। और इस जब आटा अपना पीस करके तैयार हो जाता है उसके बाद ये ब्रश है, ब्रश से ये सब साफ़ कर देंगे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और प्रॉपर वर्क करता रहे। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।